हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं दो कॉलम्स हैं और दोनों ही कॉलम्स में कुछ नाम लिखे हुए हैं। अब इनमें कुछ नाम मैचिंग हैं, कुछ नाम मैचिंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये प्रवीण है और फिर यहाँ पर भी प्रवीण ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम है, फिर तुषार लिखा हुआ है, तो ये तो नॉन मैचिंग है। यहाँ पर देखिए राजेश है, तो ये राजेश लिखा हुआ है। तो चलिए आइए एक फॉर्मूला लगाते हैं, पता करते हैं कि कौन सा मैचिंग है कौन सा नॉन मैचिंग है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला किस चीज़ का लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पे इज इक्वल टू लिखना है और यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है एग्जैक्ट का। तो आप एग्जैक्ट लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर पहले वाले जो सेल है उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पे दूसरे वाले सेल को सेलेक्ट कीजिए, बंद कीजिए इसको और एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए अगर ये मैचिंग है तो यहाँ ट्रू आएगा, अगर नहीं मैचिंग है तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक ही ट्रू आ रहा है क्योंकि यहाँ पे राजेश ही मैचिंग है, ठीक है। अब इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका कलर मैंने चेंज किया, रेड कलर कर दिया है। तो ये देखिए ये जो है मैचिंग है, ठीक है। यहाँ पर ये भी तो मैचिंग है लेकिन ये तो फॉल्स दे रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये केस सेंसिटिव फॉर्मूला है। अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और उसको स्मॉल लेटर्स से मैच कराने की कोशिश करेंगे तो ये मैच नहीं होने वाला है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर मैं यहाँ पर P को कैपिटल कर देता हूँ, केवल P को ही कैपिटल करना है, बाकी सारा तो कैपिटल और स्मॉल जैसा था वैसा ही है। तो यहाँ पर जैसे ही कैपिटल करूंगा तो देखिए ये भी मैचिंग हो गया, ठीक है। इसे भी एक कलर, अलग कलर मैं दे देता हूँ ताकि आपको ये पता चलता रहे। तो कुछ इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।